अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रहा है भिंडी गोश्त, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg मटन, 1 small onion, ये मैंने स्लाइस कर ली है। उसके अलावा मैंने लिए हल्दी 1/2 teaspoon, रेड चिली पाउडर 1.5 tablespoon, कोरिएंडर पाउडर 1 tablespoon, सॉल्ट 1 teaspoon, गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने ले लिया है एक पतीली और इसमें मैंने अंदाजे से डाल दिया है ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन जो हमने कट करके रखी थी। अनियन ऐड करने के बाद आप इसको करेंगे फ्राई। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मीट। अच्छा, ये देखें आपके सामने है कि अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मीट। मीट के साथ ही हम जो है 1-2 मिनट बाद इसके अंदर हमने सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद करेंगे थोड़ा सा मिक्स। उसी के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने बाकी सारे मसाले, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, सॉल्ट। मतलब ये सारे मसाले डालने के बाद हम गोश्त को अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। 3 से 4 मिनट हम इसको करेंगे कुक और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटोस और थोड़ा सा वाटर। अगर आपको लगे कि मसाला लग रहा है इसका तो आप इस टाइम पे भी थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसके अंदर अराउंड 1/4 cup या 1/2 cup आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 3 tomatoes लेके इनको अच्छे से कर लिया है ब्लेंड। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी अपने मटन में और मटन में जब हम टोमेटोज ऐड करेंगे तो साथ में ही हमने इसके थोड़ा सा वाटर भी ऐड करना है इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद। वन ग्लास वाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोमेटोज के साथ हम ऐड करेंगे वाटर को। बस अब इसको हम कवर करके कुक करने के लिए छोड़ देंगे। जब टोमेटोज हमारे अच्छे से भून जाएंगे तो उसके बाद फिर इसके अंदर हम मज़ीद वाटर ऐड करेंगे टू टेंडर द मीट। अच्छा, ये मैंने ले ली है भिंडी, ये है तकरीबन 250 grams। मीन्स मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है 250 grams से, आप लोगों ने 250 grams लेनी है। अच्छा, हम जो है इसको क्या करना है, हमें ये जो इसका ऊपर का पार्ट है ये और ये नीचे से थोड़ी थोड़ी बिल्कुल कोने, ये हमने इसके कट कर लेने हैं और इस भिंडी के अंदर हमने लगा लेना है कट। फिर हम इसको करेंगे मसाला डाल के फ्राई। ये देखें मैंने आपको एक करके दिखाई है, ये ऊपर से कट करना है आपने और ये नीचे से बिल्कुल नोक इसकी कट करनी है और सेंटर से इसमें आपने लगाना है डीप कट। इस तरह से आपने सारी भिंडियों के साथ कर लेना है। टोमेटोज को जो मैंने भुनने के लिए रखा था वो मैं चेक कर रही हूँ कि वो हो चुके हैं या नहीं। अच्छा, ये आपके सामने है, देखिए आप लोग टोमेटोज बहुत अच्छे से भून गए हैं और इसमें ऑयल अलग कर दिया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर। वाटर आपने ऐड करना है 3 glass water मीट टेंडर करने के लिए। वाटर ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स और दोबारा से इसको कवर करके आपको करने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे से फुली कुक्ड ना हो जाए। ये भिंडी मैंने कर ली है कट और जो है जो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी भिंडियाँ थी उसको मैंने सेंटर से कर दिया था हाफ। अच्छा, इसके लिए मैंने लिया है 1/2 teaspoon खटाई एंड 1/2 teaspoon गरम मसाला। आप इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे भिंडियों के अंदर और भिंडियों को कर देंगे आपने 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट। सिर्फ इसके अंदर सारा मसाला मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आप रख देंगे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए बस, और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे फ्राई। मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा मीट कंप्लीट हुआ या नहीं टेंडर। लग तो रहा है मुझे कि कंप्लीट हो चुका है कुक। हाँ, बिल्कुल टेंडर है अंदर तक।
तो बस ये कंप्लीट हो गया है रेडी। अब मैं इसके अंदर करूँगी भिंडी फ्राई। मतलब आप इसमें से थोड़ा सा ऑयल ले लें या सेपरेट अलग से ऑयल ले लें, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहें। तो इसमें से भी लेना चाहें तो उसमें से भी ले सकते हैं, अलग से चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं। ये मैंने अलग से पैन लिया है और पैन में मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपने ऑयल डाल लेना है इसके अंदर। और इसी के अंदर फिर जो है हम करेंगे अपनी भिंडी को फ्राई। अच्छा, मैंने इसको कर लिया है फ्राई। आपने सिर्फ इतनी देर फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए भिंडी। ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, अब मैं जो हूँ इसको जो है इसी में डाल दूँगी, मीट के साथ जो हमारा कड़ी है ना उसके अंदर डाल देंगे, ताकि जो है उसके अंदर भी ये बिल्कुल फुली कुक हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पे ना आप चेक कर लीजिएगा कि आपने इसके अंदर जो है कितना शोरवा रखना है। अगर आपने शोरवा इसमें ज़्यादा रखना है और बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, मुझे पानी की नीड नहीं है, शोरवा बिल्कुल सही है, तो आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इसके अंदर आप लोग भिंडी ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भिंडी। भिंडी ऐड करने के बाद मैं इसे कर लूँगी अच्छे से बस मिक्स, और इसको बस 2 से 4 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे दम पे। फिर ये कंप्लीट हमारा भिंडी गोश रेडी हो जाएगा। 2-4 मिनट के लिए जो मैंने दम पे रखा था वो मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये इसका फाइनल लुक है जो आप लोग को दिखाया है मैंने, ये कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना मज़ीद। अब मैं इसको जो है प्लेट में निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि कंप्लीट रेडी होने के बाद ये कैसा लगता है। ये मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए इसका। और ये मैंने इसको सर्व किया है कचूमर के साथ। ये जस्ट इसके अंदर हमने प्याज, हरी मिर्चें, लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको बनाया है। ये इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।